स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ आपके साथ, और ये जानकारी है इस लेटर के बारे में कि ये जो लेटर जारी किया गया है सेक्रेटरी एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा, और ये जो जानकारी है वो है ग्रेस मार्क्स को लेके। तो ग्रेस मार्क्स किसको मिलेंगे? ये बच्चों ग्रेस मार्क्स मिलेंगे प्लस वन के बच्चों को। आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक पाई गई थी, कुछ त्रुटियां पाई गई थी, उसी के संदर्भ में जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जिसके ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा रहेगी, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन उनके ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, उनके बारे में बात रहेगी। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए थे। यहां से देख पा रहे हैं आप लेटर में कि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसके ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये दीज वर नॉट डायरेक्टली आस्क्ड एंड सूटेबल ऑप्शन आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो क्या क्या ऑप्शन नहीं दिए गए थे और क्या क्या वहां पर प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बात करेंगे। यहां से देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 21 है जो उसके दो नंबर जो है वो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी उसको एक नंबर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसको दो नंबर दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स में। तो टोटल ग्रेस मार्क्स जो मिले हैं वो 5 मिले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आप डिजर्व करते थे, लेकिन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके आपको ग्रेस मार्क्स आगे दिए जाने चाहिए थे और वो नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो क्यों दिए हैं वो भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग जिसका जो आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्या कमी थी इसमें उसके बारे में बात करेंगे। ये कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट डेल्टा आर एच नॉट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने स्टैंडर्ड इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि ये क्या रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। C2H4 गैसेस फॉर्म में है ये, प्लस 3O2 ये भी गैसेस में है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन ए रिएक्टेंट, और उसके बाद जो है वो 2CO2 यहाँ ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट नहीं होगी है, बेसिकली दिस इज 2CO2 प्रिंटिंग मिस्टेक है गैस, प्लस 2H2O लिक्विड, दिस इज प्रोडक्ट पार्ट, ये जो बना दिस इज प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बने प्रोडक्ट बने। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो निकालते हैं, अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालते हैं तो डेल्टा एच आर थीटा इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला होता है समिशन किसका, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट्स ये जो रिएक्टेंट देख रहे हैं आप लोग इसके बीच में जितने भी टोटल बॉन्ड बनते हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, ठीक है। तो यहां पर दो है, एक तो ये इथीन है, इथीन लिखनी हो तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी इथीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं यहां H2C या फिर H एंड HH इस तरह से लिख सकते हैं इथीन को, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर O2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ O2 आया, मैं O2 कैसे लिखूंगा अगर यहाँ से बॉन्ड कौन कौन सा बन रहा है, ये दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होनी चाहिए थी, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में, और तीसरा जो बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है, O डबल बॉन्ड O, ये तीसरा, ये तीन तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर आप लोग प्रोडक्ट में जाएं तो प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, एक ये बना, दूसरा H2O, H2O में हमारे पास HOH इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा सी डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ आपको पता होनी चाहिए थी, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब ये CH बॉन्ड एंथैल्पी आपको दे रखी है 414 किलो जूल पर मोल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है वो बॉन्ड एनर्जी है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, बॉन्ड एंथैल्पी है CH, वो यहाँ पर दे रखी है, और OO की बॉन्ड जो एनर्जी दे रखी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे रखी है वो 499 किलो जूल, और जो है कार्बन मोनो ये COO, ठीक है, CO बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, और यहाँ पर OH की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एंथैल्पी OH की 460 किलो। अब है किसकी, नहीं है, नहीं कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन की जो है यहाँ पर नहीं दे रखी है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ से देखिए कि आप टोटल समेशन मतलब सभी की जो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी जो है सभी की जो है वो रिएक्टेंट्स की सभी की जो है यहाँ पर होगी, और माइनस कर देंगे इसमें प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट हैं ये दो CO और OH के बीच में, तो आपके पास डेल्टा एच रिएक्शन तभी निकलेगी अगर ये सारी वैल्यू दे रखी होंगी। तो यहाँ पर नहीं दी थी सारी वैल्यू, नहीं दी थी मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी नहीं दी थी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इसको जो है वो ग्रेस मार्क्स मिले हैं दो नंबर के, ठीक है। 30 देखते हैं हम लोग कि इसमें आपको क्यों ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 30 क्वेश्चन जो है उसके ग्रेस मार्क्स मिले हैं, एक ग्रेस मार्क्स मिला है यहाँ से, क्यों मिला है, पार्ट तो इसके कितने हैं, चार पार्ट में है ये, 1A B C एंड D, लेकिन ये जो दो हैं ये
आपके सिलेबस में है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है आपके सब्जेक्ट में ये नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करते तो आपको एक ही नंबर मिलना था। अगर आपने नहीं कर पाए हैं तो आपको एक नंबर इसमें से मिल जाएगा। ये क्यों है आउट ऑफ सिलेबस क्यों है ये देखें हम लोग, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर जो आपके सिलेबस में है, ग्रुप नंबर 13 और 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 जो है और मोर ओवर 18 जो है, ये प्लस टू में जाके, ये जो ग्रुप नंबर 13 है ये बोरोन फैमिली है, ठीक है, बोरोन एल्युमिनियम आपको पता होगा। यहाँ पर जो है वो ग्रुप नंबर 14 जो है ये है कार्बन फैमिली, तो कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है, ये दोनों है। ये जो ग्रुप नंबर 15 है ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो आर्सेनिक हो गया, ये सारे आपने किया होगा, ये करेंगे आप लोग प्लस टू में करेंगे आप लोग। तो ये जो प्लस टू में था इसलिए यहाँ से, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 15 आपको सिलेबस में नहीं है, और ग्रुप नंबर जो डी है फास्फोरस जो है वो भी ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, तो ये नाइट्रोजन फैमिली के हैं, तो इसलिए आपको, क्योंकि प्लस वन के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको यहां से दोनों में से एक जो है करते, तो एक ही करते आप, ठीक है, 13 ही दिए थे, यहां से 3 करने थे, तो एक नंबर यहां से आपको मिलना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग विद द पोटेशियम सक्सिनेट, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइन By electrolysis method, तो electrolysis method से जब हम लोग करते हैं तो basically this is Colway's electrolysis reaction, और Colway's electrolysis reaction में जब हम लोग इथाइन बनाते हैं तो इथाइन बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं साल्ट यूज करते हैं, दैट इज पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक और दूसरा कौन सा होता है फ्यूमेरिक एसिड, जिससे कि ये जो इथाइन बनती है। और कैसे होता है ये रिएक्शन देखें हम लोग, तो इस तरह से हमारे पास ये पोटाशियम साल्ट किस तरह से आता है, CHCOOK एंड CHCOOK, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। तो जब इसकी हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे, ठीक है ना, और ये एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा CHCOO नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनायन में बदल जाएगा HCOO नेगेटिव, ठीक है, प्लस यहां से पोटाशियम दो पोटाशियम है ये 2K पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये क्योंकि अनस्टेबल होता है, आगे देखेंगे हम लोग कि दूसरा जो है वाटर है, वाटर क्या H2O जो है 2H2O, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस की होती है, तो आयोनाइजेशन की होगी, तो ये किसमें होगा 2OH नेगेटिव प्लस 2H+, तो यहाँ से 2H2O जो है वो 2OH एंड 2OH+ में। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो बना आपके पास यहाँ से जो एट एनोड पर क्या रिएक्शन हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में एट एनोड क्या होगा, एनोड पे क्या होगा यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से होगी CHCOO नेगेटिव डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव, यहां से क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको, तो यहां से CHCOO ये जो कंपाउंड बनेगा, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो ये अनस्टेबल होता है बेसिकली, और यहां से अनस्टेबल होकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड CO2, ठीक है, तो CH और डबल बॉन्ड CH, अब ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से CO निकल के 2CO2 के फॉर्म में ये निकल चुका है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन, इस तरह से। और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कौन करेगा, 2H+ है एक्वस फॉर्म में, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन में ये होगा, तो ये इस तरह से ओवरऑल जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो इथाइन इस तरह से कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में बनता है। जब हम लोग यहाँ पोटाशियम सक्सिनेट से करते हैं तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला इस तरह से बनता है, पोटाशियम सक्सिनेट से अगर देखें तो जो रिएक्शन बनेगा पोटाशियम सक्सिनेट से वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि पोटाशियम सक्सिनेट का फॉर्मूला था C4H4K2 डाई पोटाशियम सक्सिनेट है ये, तो यहां से जो बनेगा वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOK, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो जब प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस से तो वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बनता है इथीन ना कि इथाइन, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी जो है वो गलत होगा, ठीक है, और इसको आपको दिए गए हैं 2 मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके आपको पॉसिबिलिटी थी कि ग्रेस मार्क्स मिलते, यहाँ लिखा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड इन वाटर फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर, तो अगर अल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, ये बी पार्ट देख रहे हैं आप लोग,
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यही अल्कली मेटल है और इसका ये ऑर्डर वो जो है वो अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि ये इससे उल्टा होता है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जो उसका जो है वो दैट इज मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये जो है ऑर्डर उल्टा ऑर्डर फॉलो होता है, तो वो क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पर ये जो अगर मैग्नीशियम को लेकर चलें कैल्शियम को, तो ये ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन ये अल्कली मेटल नहीं है, दीज आर अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें से कोई भी ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो जिस बच्चे ने भी डी आंसर लिखा होगा वो उसका आंसर सही होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए लिखा है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो इसलिए कन्फ्यूजन के रूप में बच्चों को एक जो है यहाँ से मार्क्स मिलने की संभावना बनती थी, जो कि आपको नहीं दिया गया है। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो सी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग CH3CH Br CH2 Br, और ये जो बहुत बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बॉन्ड लगा के 2KOH किया हुआ है। तो ये भी कोई अगर डिजर्व करते हैं बच्चे आप, अगर संभावना होती तो यहाँ पर प्लस 2KOH होना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेशक, लेकिन यहाँ से बच्चों को एक ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। तो ये जो दो ग्रेस मार्क्स आप लोग डिजर्व करते थे लेकिन नहीं मिले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस।